नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आपको सबको पता था कि जो होली उतराला संघर्ष समिति बनी हुई है, आज उसकी दूसरी बैठक थी और इस दूसरी बैठक में जो महत्वपूर्ण एक कदम था वो उठाया गया है कि जो लोक निर्माण विभाग है उनके वहाँ पर पूरी समिति और जो क्षेत्र के लोग थे वो एकजुट होकर गए और वहाँ पर एक ज्ञापन जो है वो एसटीओ जो होली के हैं उनको दिया है पीडब्ल्यूडी विभाग के, और उनसे साफ ये एक बात पूछी गई है कि जो सड़क निर्माण जिसका आश्वासन जो है वो माननीय जो विधायक हैं उनको अधिशासी अभियंता भरमौर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि मार्च तक जो 2 किलोमीटर का जो भाग है जिसका निर्माण कई साल पहले हो चुका था, लेकिन बताया जा रहा है कि जो खराब मौसम के चलते जो था वो खराब हो गया है, रोड जो था वो खराब हो गया। अब सवाल ये है कि जब 5 सालों से वो सड़क मार्ग वैसे का वैसा पड़ा हुआ है तो विभाग अब ऐसी कौन सी जो एक जादू की छड़ी है उसको लगाएगा और मार्च तक उसको कर देगा। मेरा पहला सवाल लोक निर्माण विभाग से ये है। दूसरा सवाल मेरा लोक निर्माण विभाग से ये है कि इतने कम समय में इतना बजट इतना फंड कहाँ से आएगा। सवाल तीसरा ये है कि उस सड़क मार्ग का निर्माण पहले हो चुका है तो दोबारा सरकार या विभाग उसको फंड कहाँ से जारी करेगा। ये कुछ ऐसे टेक्निकल इशू है जिसमें साफ प्रतीत हो रहा है कि लोक निर्माण विभाग भरमौर जो है हमें वो एक झूठा जो दिलासा है वो दे रहा है जिसमें कहीं तक हमें जो है वो सच्चाई जो है वो नज़र नहीं आ रही है। कमेटी की बैठक अभी चली हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि अब अगला जो हमारा कदम होगा वो माननीय जो लोक निर्माण विभाग मंत्री हिमाचल प्रदेश विक्रमादित्य जी और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू जी उनके समक्ष जो है वो हम मामला उठाने का हमने निर्णय लिया है और फरवरी माह के पहले सप्ताह में हमने जो है ये निर्णय लिया है कि हम शिमला जाएंगे और उनसे इस जो स्थिति है इससे उनको वाकिफ करवाएंगे कि आखिर इतना बड़ा जो विभाग के नाक के तले इतनी बड़ी जो गड़बड़ झाला होता है और हर कोई जो व्यक्ति है इससे अनभिज्ञ रहता है, चाहे वो एक प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग का बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो क्षेत्र के नेता हो, चाहे वो क्षेत्र का विधायक हो, तो हर कोई जो व्यक्ति है इसमें कहीं ना कहीं हमें संलिप्त लगता है और सबकी कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो विभाग से एक बार फिर हम होली उतराला संघर्ष समिति यही मांग करती है कि कम से कम मार्च तक आप लोग इस सड़क का किस तरह से मरम्मत करेंगे, क्योंकि ये बात भी स्पष्ट है अगर 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो आगे का जो टेंडर हुआ 3 किलोमीटर का उससे उसका भी बेड़ा गर्क जो है वो साफ नजर आ रहा है कि उसका हसर भी 3 किलोमीटर का हसर भी 15 या 20 सालों वाला हो जाएगा। तो अब विभाग हमें पता है कि हमें एक झूठी तसल्ली दे रहा है, इसलिए अब लड़ाई जो है वो राज्य सरकार के समक्ष लड़ी जाएगी। धन्यवाद।